बोध प्रश्न। प्रश्न एक, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? उत्तर, हरिहर काका और कथावाचक अर्थात लेखक दोनों के बीच में बड़े ही मधुर एवं आत्मीय संबंध थे, क्योंकि दोनों एक गांव के निवासी थे। कथावाचक गांव के चंद लोगों का ही सम्मान करता था और उनमें हरिहर काका एक थे। इसमें निम्नलिखित कारण थे। पहला, हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे। दूसरा, कथावाचक की माँ के अनुसार हरिहर काका ने उसे बचपन में बहुत प्यार किया था। तीसरा, कथावाचक के बड़े होने पर उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई थी। दोनों आपस में बहुत ही खुलकर बातें करते थे। प्रश्न दो, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? उत्तर, हरिहर काका एक निःसंतान व्यक्ति थे। उनके पास 15 बीघे जमीन थी। हरिहर काका के भाइयों ने पहले तो उनकी खूब देखभाल की, परंतु धीरे धीरे उनकी पत्नियों ने काका के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। महंत को जब यह पता चला तो वह बहला फुसलाकर काका को ठाकुर बारी ले आए और उन्हें वहां रखकर उनकी खूब सेवा की। साथ ही उसने काका से उनकी 15 बीघे जमीन ठाकुर बारी के नाम लिखवाने की बात की। काका ने जब ऐसा करने से मना किया तो महंत ने उन्हें मार पीट कर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा दिया। इस बात पर दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। दोनों ही पक्ष स्वार्थी थे। वे हरिहर काका को सुख नहीं दुख देने पर उतारू थे। उनका हित नहीं अहित करने के पक्ष में थे। दोनों का लक्ष्य जमीन हथियाना था। इसके लिए दोनों ने ही काका के साथ छल व बल का प्रयोग किया। इसी कारण हरिहर काका को अपने भाई और महंत एक ही श्रेणी के लगने लगे। प्रश्न तीन, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? उत्तर, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उनसे उनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना, आस्तिकता, प्रेम तथा विश्वास को पता चलता है। वे अपने प्रत्येक कार्य की सफलता का कारण ठाकुर जी की कृपा को मानते थे। प्रश्न चार, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी जमीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुर बारी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुर बारी के नाम करवाना चाहते हैं। उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण करते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख दी थी। बाद में उनका जीवन नरक बन गया था। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। प्रश्न पांच, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? उत्तर, महंत के संकेत पर ठाकुर बारी के साधु संत हरिहर काका को उठाकर ले गए थे। पहले उन्हें समझा बुझाकर सादे कागज पर अंगूठे का निशान लेने का प्रयास किया गया। सफलता ना मिलने पर जबरदस्ती निशान लेकर हाथ पांव और मुंह बांधकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था। प्रश्न छः, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? उत्तर, हरिहर काका के मामले में गांव के लोगों को दो वर्ग बन गए थे। दोनों ही पक्ष के लोगों की अपनी अपनी राय थी। आधे लोग परिवार वालों के पक्ष में थे। उनका कहना था कि काका की जमीन पर हक तो उनके परिवार वालों का बनता है। काका को अपनी जमीन जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। ऐसा ना करना अन्याय होगा। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि महंत हरिहर की जमीन उनको मोक्ष दिलाने के लिए लेना चाहता है। काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उनका नाम या यश भी फैलेगा और उन्हें सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जितने मुंह थे उतनी बातें होने लगीं। प्रत्येक का अपना मत था। इन सबको एक कारण था कि हरिहर काका विधुर थे और उनकी अपनी कोई संतान न थी जो उनका उत्तराधिकारी बनता। 15 बीघे जमीन के कारण इन सबका लालच स्वाभाविक था। प्रश्न सात, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। उत्तर, लेखक ने यह इसलिए कहा है क्योंकि अज्ञान की ही स्थिति में
अर्थात सांसारिक आसक्ति या नश्वर संसार के सुख की इच्छा के कारण ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। जब उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु तो अटल सत्य है, क्योंकि जो इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तथा जब यह शरीर जीर्ण क्षीण हो जाता है तो इस मृत्यु के माध्यम से प्रभु हमें नया शरीर और नया जीवन देते हैं, तब वे मृत्यु से घबराते नहीं, डरते नहीं, बल्कि मृत्यु आने पर उसका स्वागत करते हैं, अर्थात उसका वरण करते हैं। प्रश्न 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। अब रिश्तों से ज़्यादा रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि ही अहमियत है। रिश्ते ही उसे अपने पराये में अंतर करने की पहचान करवाते हैं। रिश्तों के द्वारा व्यक्ति की समाज में विशेष भूमिका निर्मित होती है। रिश्ते ही सुख दुख में काम आते हैं। यह दुख की बात है कि आज के इस बदलते दौर में रिश्तों पर स्वार्थ की भावना हावी होती जा रही है। रिश्तों में प्यार व बंधुत्व समाप्त हो गया है। इस कहानी में भी यदि पुलिस ना पहुंचती तो परिवार वाले काका की हत्या कर देते। इंसानियत तथा रिश्तों का खून तब स्पष्ट नजर आता है जब महंत तथा परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि उनकी हत्या ना कर पाने का ही अफसोस है। ठीक इसी प्रकार आज रिश्तों से ज़्यादा धन दौलत को अहमियत दी जा रही है। प्रश्न 9, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? उत्तर, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी सहायता निम्न प्रकार से करेंगे। पहला, सबसे पहले हम उसके घर वालों को समझाएंगे कि वे अपने पुनीत कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। दूसरा, असहाय व्यक्ति की खान पान, रहन सहन, वस्त्र आदि की व्यवस्था समय अनुसार करें। तीसरा, उसके परिवार के सदस्यों को समझाएंगे कि असहाय व्यक्ति की यदि तुम सहायता करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, अर्थात उनकी जमीन संपत्ति स्वतः ही तुम्हें मिल जाएगी। चौथा, धूर्त महंत पुजारी साधु आदि की रिपोर्ट पुलिस में करेंगे और पुलिस को बताएंगे कि इनकी आंखों पर लालच का चश्मा लगा हुआ है, ये असहाय व्यक्ति की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। पांचवा, भाइयों महंत साधु व पुजारियों की खबर मीडिया को देंगे ताकि उनका दुष्प्रचार हो सके, साथ ही सरकारी हस्तक्षेप में उन्हें अपने किए की सजा मिल सके, साथ ही हरिहर काका जैसे व्यक्ति को न्याय मिल सके। प्रश्न 10, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, हरिहर काका का जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिश्तों से विश्वास उठ चुका था उससे वे मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वे बिल्कुल चुप रहते थे, किसी की भी कोई बात का कोई उत्तर नहीं देते थे। वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज मीडिया की अहम भूमिका है। लोगों को सच्चाई से अवगत करना उसका मुख्य कार्य है। जनसंचार के द्वारा घर घर में बात पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा लोगों तथा समाज तक बात पहुंचाना आसान है। यदि हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो शायद स्थिति थोड़ी भिन्न होती। वे अपनी बात लोगों के सामने रख पाते और स्वयं पर हुए अत्याचारों के विषय में लोगों को जागृत करते। हरिहर काका को मीडिया ठीक प्रकार से न्याय दिलवाती, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने में मदद करती। जिस प्रकार के दबाव में वे जी रहे थे वैसी स्थिति मीडिया की सहायता मिलने के बाद नहीं होती। दोस्तों, हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और बड़ों का आदर करें। मैं हूं वैभव, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।